इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट मैच में मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी कहासुनी देखने को मिली, जिसमें विराट कोहली का अग्रेशन सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। कोई कोहली के इस अग्रेशन की तारीफ कर रहा है तो कोई कोहली की बुराइयां, लेकिन एक पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी के कोहली को बदतमीज कहने के बाद माहौल और गर्म हो गया, जिसके बाद ये जुबानी जंग मैदान से निकलकर सोशल मीडिया में पहुंच गई है और भारत के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई है। सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने भी विराट को बदतमीज बोलने वाले निक कॉम्पटन को जमकर झाड़ा है। दानिश ने निक को इतना सुनाया कि आखिरकार उन्हें अपना ट्वीट डिलीट ही करना पड़ा। दानिश ने अपने YouTube चैनल पर कहा, इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेटर को विराट के अग्रेशन से दिक्कत है, जब वो लोग ऐसा करते हैं तो ये सही है, क्या उनको ही हमेशा अपना राज चलाना है? जब उनके सामने कोई बड़ी टीम आती है तो वो इसी तरह से दूसरी टीम को दबाव में लाने की रणनीति अपनाते हैं। जसप्रीत बुमराह जब बल्लेबाजी के लिए आए तो इंग्लैंड ने उन्हें परेशान करना शुरू किया था। जोस बटलर ने पहले कुछ कहा और फिर बाकी भी उनके पीछे पड़ गए। कनेरिया ने आगे कहा, एक कप्तान के तौर पर कोहली बस अग्रेशन दिखा रहा था और क्राउड उनको सपोर्ट कर रही थी। जहां तक गाली देने की बात है, हम सभी क्रिकेट खेल चुके हैं, जब तक मैदान पर थोड़ी कहासुनी नहीं होती मज़ा नहीं आता, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोहली ने कोई अपशब्द कहे होंगे।